देखिए, होता क्या है मार्केट में, सबसे पहले तो ये स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से आपके लिए काम करेगी और कहाँ पर काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, आपका एसएल कितना बनेगा, आपका टीजीटी कितना बनेगा, टीजीटी मतलब टारगेट, और आपकी एंट्री और एग्जिट कैसे होगी, ये सारी चीजें। ये देखिए, मैं आपको वही स्ट्रेटजी देता हूँ जो प्रूवन हो। प्रूवन इन द सेंस ऑफ व्हाट? प्रूवन इन द सेंस ऑफ ये कि वो मार्केट में आपको कुछ ना कुछ पैसा बना के दे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के दे, वो स्ट्रेटजी। ठीक है, तो सबसे बड़ी लोगों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि चाहे वो 5 मिनट का चार्ट यूज करें, चाहे वो 15 मिनट का चार्ट यूज करें, चाहे वो 30 मिनट का चार्ट यूज करें, चाहे वो 1 घंटे का चार्ट यूज करें, चाहे वो 1 डे का चार्ट यूज करें। ठीक है साहब, और अभी इस स्ट्रेटजी को मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे टेस्ट करके भी बता देता हूँ। ये बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी है जिसको मैं यूज करता था और अभी भी यूज करता हूँ। जब मैं मार्केट में फंस जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा इस पर भी जाके एक बार देख लेता हूँ कि ये क्या बोल रही है, इस पर भी मैं जाके जरूर देखता हूँ कि ये क्या बोल रही है। तो आइए सिंपल सिंपल समझ लेते हैं इस स्ट्रेटजी के इंटीग्रेंट्स क्या क्या हैं, मसाले क्या क्या हैं। इस स्ट्रेटजी का जो पहला इंटीग्रेंट है वो है आरएसआई। आरएसआई आप लोग लगाना जानते ही हैं, ये है आरएसआई। आरएसआई आपने लगा लिया, ऊपर का लेवल आपने 80 कर दिया, नीचे का लेवल आपने 20 कर दिया, और बीच में आपकी 50 है। ये आप यहाँ पर आरएसआई पर आप जाओ, यहाँ पर आप आरएसआई पे जाओ और आरएसआई बेस्ड ईएमए को ऑन कर दो। अपने हिसाब से कलरिंग कर लो, जो भी कलर आपको पसंद है, लाल पीला वो आप कर लो अपने हिसाब से, रेड कर लो, येलो कर लो, ग्रीन कर लो, वो आप कर लो। ठीक है जी, वो आपने कर लिया। अगला क्या है इसमें, अगला है आप इसमें लगाइए सुपर ट्रेंड, SUPER, सुपर ट्रेंड चैनल। ये लक्स अल्गो वाला जो आप देख रहे हो इसको लगाओ आप। लगा दिया आपने भाई साहब। अब आपने जब इसको लगा दिया तो यहां पर देखिए दो चैनल बन गए, तीन लाइनें बन गई, तीन लाइनें बन गई। अब आप इसकी सेटिंग में जाओ, सेटिंग में इसके कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, इसके एटीआर और मल्टीप्लायर सारा, लेंथ और मल्टीप्लायर सारा सब कुछ तरीके का लगा हुआ है। मेनली आरएसआई 14 के ही बेसिस पे काम कर रहा है। ठीक है, अब एवरेज लाइन को आप कर दो ब्लैक कर दो। ये लीजिए एवरेज लाइन को आपने ब्लैक कर दिया, या जैसा भी है वैसे भी रहने दे सकते हैं, ओके कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। ठीक है साहब, अब ये लग गया, अब ये लग गया। अभी भी इसमें आपको कोई दिक्कत दिख रही है क्या? अभी भी इसमें आपको कोई दिक्कत दिख रही है कि कहीं पर भी आपको थोड़ा सा इसको समझने में परेशानी हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो तो बताइए, बोलिए। नहीं गुरु जी, अभी तो कोई नहीं दिक्कत कोई है। दिक्कत नहीं लग रही है? हाँ, छोटी सी एक दिक्कत यह है कि ये जो कैंडल ऊपर नीचे आगे पीछे कर रही है, देखिए मैं इस स्ट्रेटजी वही बता रहा हूँ जो आपको मार्केट में कुछ ना कुछ निकाल के दे अगर आप उसको सोलली फॉलो कर रहे हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि ये जो थोड़े से यहाँ पे जो नॉइजेस ये बन रहे हैं, इन नॉइजेस का क्या किया जाए? तो सिंपल सिंपल आप जाइए कैंडल स्टिक में और इसको हैकेनाशी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए मजा आया, बताइए। जी, गुरु जी। अब ये सिंपल सिंपल अब आपको ये बता देगा कि भैया क्लियर ट्रेंड क्या है। देख रहे हैं आप लोग क्लियर ट्रेंड क्या है, ये आपको बता देगा। देखिए अब चलिए इसको हैकनाशी से बदल के नॉर्मल कैंडल स्टिक पर भी कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल कैंडल स्टिक मैक्सिमम लोग देख रहे हैं तो इसको नॉर्मल कैंडल स्टिक पे कर दे रहे हैं। देखिए कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें, अब आप ही लोगों से, मैं कोई भी सज्जन हो मैं उनसे पूछना चाहूँ, कोई भी जो इसको थोड़ा बहुत 50% भी 25% भी समझ रहा है तो प्लीज मेरे को डिफाइन करके बताए कि
इतने जोन में डिफाइन करके बताए, ये इतने सारे जोन में जो आपकी स्क्रीन पे अभी अवेलेबल है जोन, इसमें बताए कि हमारी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस क्या होगी यहाँ पे, बताइए। गुरुजी जैसे ही ब्लैक लाइन को कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज करती है ब्लैक लाइन के ऊपर, हाँ, तो वहां हमारा बाय ट्रेड इनिशिएट होता है। हाँ, और एसएल 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 इसका होगा सबसे नीचे वाला जो इसका जोन है, जो रेड लाइन है वहां पे। और जैसे ही कोई कैंडल मतलब वापसी में एग्जिट प्लान करेंगे तो जो भी कैंडल अंदर रेड वाले जोन के अंदर आके क्लोज कर जाती है, उसके बाद हमारा ऊपर जाने के बाद टारगेट लेने का नीचे क्लोज कर सकते हैं हम, मतलब ऐसे ट्रेल करके ऊपर जा सकते हैं और ऊपर की लाइन का टारगेट भी रख सकते हैं। बताइए साहब, और कोई सज्जन? सर नीचे अगर रेड जोन में एक ग्रीन कैंडल, थोड़ा स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रीच भी हो जाए, तो हम लोग वहां से उसका लो पे एसएल रख के टारगेट मतलब पूरा हाई पे लगा सकते हैं, वो ग्रीन का जो लाइन है। तो आरएसए जब 50 के ऊपर हो और ग्रीन कैंडल क्लोज करे जोन में, तो उधर एंट्री बनती है भाई की। अच्छा जी, और कोई? मैं आप सभी लोगों को सुन रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इसमें फाइनल वर्डिक्ट दे दूंगा कि किस तरीके से इस पे काम करना है। और बताएं, यहाँ पे 15 लोग हैं, कोई भी बताए। बताइए, गुरुजी इसमें एक चीज और है, जो अगर ये ब्लैक लाइन फ्लैट हो गई है तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, मिडिल लाइन ब्लैक की फ्लैट हो जाती है तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। ओके, तो सबसे पहली बात जो है, हमेशा कहता हूं कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। 5 मिनट चार्ट, नो ट्रेडिंग, ठीक है साहब? पहला तो यही आप ले लो, पहला नियम लिख लो आप लोग अपनी डायरी पर कि 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पहला नियम। अब ये आपको साइडवेज मार्केट में भी बचा के रख लेगा। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटजी, चौपी मार्केट, साइडवेज साइडवेज या चौपी चौपी मार्केट में ये स्ट्रेटजी आपको एक दिशा निर्धारण कर देगा आपका। किसी भी दिन का चौपी मार्केट आप पकड़ लो, जैसे ये था उस दिन का ये चौपी मार्केट था, तो आपको ये पता है ये ऊपर का रेंज और ये नीचे का रेंज, ये कितने पॉइंट का रेंज है सर? सेवेंटी पॉइंट का रेंज है ना साहब? या तो ये रेंज ऊपर की तरफ टूटेगा तब मार्केट जाएगा, या तो ये रेंज नीचे की तरफ टूटेगा तब मार्केट जाएगा, दोनों में से एक ही चीज होगी ना सर, बताइए। हाँ सर, और इसका ये और ये, इसका ऊपर और नीचे की जो लाइन है ये करंट मार्केट के नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। ये आपको जान के हैरानी होगी बट ऐसा है। आपने ओआरबी पढ़ा होगा, ओआरबी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जानते हो गए आप लोग? हाँ सर जी सर। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को भी ये बताता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को ये 89% ये फॉलो करता है।
और भी लगा दूं इस पे? लगा देते हैं जी। क्या लग गया? देखिए मैं टाइम लेके इसलिए बता रहा हूँ भैया क्योंकि है तरीके की चीज ही, आप लोग कुछ भी एक चीज पकड़ लो। देखो जी साहब, ओआरबी इसको क्लियरली डिनोट करेगा, क्लियरली डिनोट करेगा। कैसे डिनोट करेगा? देखिए यहां पर भी देख लीजिए, इसके नीचे नहीं आ रहा है। यहां पर भी देख लीजिए, ये इसके नीचे नहीं आ रहा है। यहां पर भी देख लीजिए, ये इसके ऊपर नहीं आ रहा है। देखिए 100% तो नहीं मैच करेगा साहब, 100% तो ये नहीं मैच करने का, लेकिन ओआरबी को ये डिनोट कर देगा। देखिए ये रहा ना, देख रहे हैं? तो ये इस पर भी जाके काम करेगा। इसकी जो एवरेज परसेंटाइल है, जिसपे मैं खासा ध्यान देता हूं और आप लोगों को बताता रहता हूं कि मार्केट का एवरेज जोन क्या है। अब आप कहीं पर भी देखोगे मित्र, अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो ये जो रेंज चल रही है 60-70 पॉइंट से ज्यादा की नहीं है। ये जो रेंज चल रही है ये 60-70 पॉइंट से ज्यादा की रेंज नहीं है। यहाँ पर 73 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पर इससे कम है, यहाँ पर भी इससे कम है। एक मैंने आपको बड़ा वाला दिखा दिया, अब आप देखो कहाँ पर 70 पॉइंट से ज्यादा है। ये वाली रेंज कितनी है देखिए एक बार, ये भी लगभग उतनी ही है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो फनल है, ये जो पाइप है, ये जो फनल है, ये जो पाइप है, इसकी जो विड्थ है वो 70 पॉइंट, एक यहां पर चौड़ी सी लग रही, हो सकता है 80 पॉइंट की हो। हाँ 80 पॉइंट की है ये, इसकी विड्थ जो है इससे ज्यादा नहीं है, 70 पॉइंट से ज्यादा नहीं है, 70 पॉइंट का एवरेज है। तो अगर आप गलत ट्रेड में घुस गए हो तो आपकी एंट्री और एग्जिट बड़े आसानी से हो जाएगी। पहली बात, एंट्री और एग्जिट बड़े आसानी से हो जाएगी। आज के मार्केट में देखिए, देख रहे हैं आप लोग, लाइव चल रहा है सर, आपके सामने बैठा हूं, लाइव चल रहा है। और बहुत ही कम ही लोग हैं जो लाइव में आके बताते हैं, ठीक है साहब? बहुत कम लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लोग हैं, बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं। मैं अपने को नहीं कह रहा हूं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाकी उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आपको लाइव मार्केट में आके कोई चीज बताते। लाइव मार्केट में आके बताना एक अच्छी चीज है, ट्रेड आपको दिया जाए नहीं दिया जाए दैट इज अदर हैंड थिंग। मेरा तो पर्पज आपको ट्रेडर बनाना है ही नहीं, मैं कहता हूं कि आप ट्रेडर मत बनो भाई, आप बन जाओ ऑब्जर्वेटर, आप बन जाओ एनालिस्ट, आप बन जाओ ऑब्जर्वेटर, आप बन जाओ एनालिस्ट। सिंपल सिंपल बात, ठीक है? अब आइए इस स्ट्रेटजी के कुछ प्लस माइनस, इसके बहुत कम है, कुछ प्लस चीजें जान लेते हैं। पहली बात तो ये, आपको ट्रेड कब लेना है, व्हेन टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू ट्रेड, और वेयर इज ए सेल, ठीक है साहब? अब देखिए बहुत सिंपल सिंपल बात है सर, आज ही का मार्केट ले लेते हैं। अभी आज के मार्केट की हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आज के मार्केट में क्या हुआ, आज ही का मार्केट कर लेते हैं। आज के मार्केट में मार्केट ऊपर से गिरा और ये गिरने ही वाला था, फिर आप लोगों ने मेरे को फ्राइडे में बोला नहीं था, फ्राइडे में बोला नहीं था आप लोगों ने, नहीं तो मैं आप लोगों को बीटीएसटी दे कर आया था और मेरे दिमाग से गया होता। अभी अभी कुछ देर पहले मेरी गुप्ता जी से डिस्कशन हो रही थी,
वन टू वन सेशन के हैं वो, क्या निफ्टी कहाँ तक जाएगा? मैंने कहा निफ्टी में अगर आपने ट्रेड लिया है तो ट्रेड में बने रहिए, अगर नहीं लिया है तो छोड़ दीजिए। निफ्टी जाएगा अभी 500 तक, मतलब 19,500 तक जाएगा। निफ्टी का एवरेज परसेंटाइल अभी यही निकल के आ रहा है, निफ्टी 19,500 तक जाएगा। अब क्यों जाएगा, अभी उसको अगले कटअप में डिस्कस करेंगे। अब इसमें एंट्री आपकी कहां बनेगी? कभी भी अगर आप एंट्री बनाओगे तो इस, अगर आप अपर एंट्री बना रहे हो तो इस मिडिल लाइन के ऊपर बनाओगे। एसएल आपका यहां होगा, एसएल आपका इसमें 320 से 280 30-40 पॉइंट से ज्यादा का एसएल होगा नहीं, और टारगेट आप खुला छोड़ दो। टारगेट आपका ये पॉइंट आपका एसएल ट्रेल होगा, देख रहे हैं, ये जो काली वाली लाइन है ये आपकी एसएल ट्रेल लाइन है, एसएल ट्रेल लाइन है ये आपकी, इसके साथ चलती रहेगी एटीआर के बेसिस पे। ये हो गया आपका बाई का ट्रेड, अभी आपका चल रहा है, अभी जो है ये आपका चल रहा है। अब आइए सेल का ट्रेड देख लेते हैं, और अभी मैं आपको इसको हर स्टॉक पे हर इंडेक्स पे लगा के दिखा देता हूं। शर्त है कि 15 मिनट के नीचे इसमें मत जाइएगा, उस ये करेंगे तो आप जानिए आपका काम जाने, मेरे से कोई मतलब नहीं, ये करेंगे तो आप जानिए आपका काम जाने, मेरे से कोई मतलब नहीं। सेल का ट्रेड, कैंडल नीचे आई, अब देखिए सेल का ट्रेड तो आप कहेंगे यहां पर ही बन रहा था, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। अगर आपने यहां पे सेल का ट्रेड बना लिया, इस कैंडल के नीचे ही बना लिया, तो भैया इसको एक बार बंद होने तो देखो, तो कैंडल कहां बन रही है ड्यूरिंग द मार्केट। पहली कैंडल पे तो ट्रेड लेना छोड़ दीजिए आप लोग ड्यूरिंग द मार्केट, अब देखिए दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई, कैसे आप ट्रेड ले लोगे सर? आइए पहले सेल का ट्रेड देख लेते। सेल का ट्रेड, पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने सेम कैंडल का फॉलोअप दिया, तब आप यहां पे ट्रेड बनाओगे और यहां पर ऐसे रखोगे या यहां पर ऐसे रखोगे, सिंपल बात है। और निकलोगे कब आप ट्रेड से? जब इस लाइन का कटअप हो जाएगा तब निकलोगे, या देखिए अब फिर वही निकलने वाली बात हो गई। मैं वही कहता हूं, निकलने के ट्रेड से एग्जिट होने के दो रास्ते हैं, एक है इमोशनल रास्ता और एक है टेक्निकल रास्ता। एक है इमोशनल रास्ता, एक है टेक्निकल रास्ता। इमोशनल मतलब कि भैया आपको मिल गया 5,000 रुपए का प्रॉफिट, आप निकल लो। एक है टेक्निकल रास्ता कि भैया जब तक मेरे टेक्निकल पे नहीं आओगे तब तक मैं निकलूंगा ही नहीं, क्योंकि टेक्निकल में अभी तक इसने ये बोला ही नहीं है कि निकलो। टेक्निकल में अभी तक इसने ये बोला ही नहीं है कि निकलो, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरे को दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से बाई और सेल साइड के ट्रेड आपको पहचान में आ गए। देखिए परसों का ट्रेड जो दिया गया था, ये पिछले दिनों वाला शायद थर्सडे का ट्रेड था कि वेंसडे का ट्रेड था, यही था ट्रेड, बहुत तरीके से बताएगा सर। अब देखिए साइडवेज मार्केट, मार्केट निकला इसके नीचे आया, आपने ट्रेड ले लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर, देखिए दिन भर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, दिन भर नहीं हिट करेगा सर, थोड़ा सा बड़ा होगा स्टॉप लॉस लेकिन हिटिंग रेशियो बहुत कम हो जाएगा। स्टॉप लॉस का हिटिंग रेशियो बहुत कम हो जाएगा, 30 से 40 पॉइंट के बीच का स्टॉप लॉस गिरेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ये स्टॉप लॉस आपका टेक्निकल पे होगा। इसके बेसिस पे हम कैरी भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, इसके बेसिस पे ट्रेड कैरी भी कर सकते, आराम से कर सकते हैं। देखिए सर मैं आपको दुनिया भर की स्ट्रेटजीज बताता हूँ, एक नहीं दो नहीं कई स्ट्रेटजीज मैंने बता के रखी, बताने का उद्देश्य केवल इतना ही रहता है आप लोगों को कि कोई एक चीज आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में सेट हो जाए, कोई एक चीज गुरुजी आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में सेट हो जाए, मेरा उद्देश्य वही होता है। गुरुजी इसकी मिडिल लाइन क्या 20 का बनता है क्या इसका भी? नहीं नहीं, एटीआर के हिसाब से चलती है, एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से चलती है। अब आइए इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देख लेते, 15 मिनट तो है ही आपका बेस टाइम फ्रेम, 30 मिनट पर देखिए, 30 मिनट पे बहुत तगड़े ट्रेड देगा देखिए निफ्टी में।
बहुत ही तगड़े ट्रेड देगा। हाँ जाहिर सी बात है आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया 19,450 पे बनाया तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आएगा 407 पे, इसी के नीचे। लेकिन आपको एक तगड़ी चीज देके जाएगा। आज के भी ट्रेड में देखिए 351 का एंट्री था 30 मिनट पे और 315 का आपका एसएल था, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और इसमें आप इसकी आरएसआई, इसमें हिलेगा मिलेगा को ना यूज करके आरएसआई का यूज किया गया है। आरएसआई का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इसका एटीआर और इसका एटीआर मैच कर सके। ये जहां से ट्रेड देना चालू कर रहा है, अगर देखिए, अगर ये तो मैंने आपको बताया दिया इसके ऊपर एंट्री सेफ ट्रेडर की एंट्री, सेफ ट्रेडर। और अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो, प्रो ट्रेडर मतलब आप एक्सपर्ट हो थोड़ा बहुत, यहां पर भी आपकी एंट्री मिल सकती है। मिल सकती है कि नहीं बताइए, यहां पर भी एंट्री है जब यहां पे कट डाउन दे रहा है। बोलिए जी गुरुजी, पिछली कैंडल का फॉलो अप देने में शुरू कर दिया। हाँ ये आपको यहाँ पे तुरंत, ये आपको एडवांस में बता देगा। आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि नहीं भैया चलो आ जाओ मेरे उस पे सेटअप पे फिर मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पर इसने आपको दे दी है एंट्री, यहाँ पर इसने आपको दे दी है एंट्री। आप देखो यहाँ पे एसएल तो पिछली कैंडल का लो है ना, सॉरी हाई है, एसएल पिछली कैंडल का लो है जी। यहां तक किसी को कोई दुविधा है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। चुप मत रहिए सर, चुप रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वो पीछे में तो बड़ा लॉस दे रहा है। हाँ जी, वो पीछे में लंबा लॉस दे रहा है। एंट्री तो ग्रीन के ऊपर हुई लेकिन उसके बाद लंबा कैंडल बना। कहां पे सर? ये हाँ, ये कहाँ पर आपको बोल रहा है सर कि यहाँ पे आप एंट्री ले लो? नहीं वो तो यहाँ पे नहीं, उससे पहले वाला कैंडल बोल रहा है ना, ये वाला। अरे सर मित्र, यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो गई, इस दिन का क्लोजर हो गया 10 अगस्त का, अगले दिन की एक कैंडल बन रही है ना सर, ये अगले दिन की कैंडल है। आरएसआई भी कंफर्म कर लेना, अभी नीचे नहीं गया ना सर। फिर से बोलिए, मैं एक बार फिर से आपकी पूरी बात समझूं। इसमें आरएसआई अभी भी कंफर्मेशन गया नहीं ना आपके। किस चीज का कंफर्मेशन? बाय सिग्नल ही है ना ये बाय सिग्नल तब तक नहीं है सर जब तक ये मिडिल लाइन को छोड़ेगा नहीं। जब तक ये मिडिल लाइन को छोड़ेगा नहीं तब तक भाई मिडिल लाइन को इधर साइड छोड़ना चाहिए, या तो इस साइड या तो इस साइड। और आप देखिए आपकी आरएसआई झुकती जा रही है सर, यहां पर देखिए आप, यहां पे आप देखोगे और यहां पर देखोगे डाइवर्जेंस देखिए, इसका मतलब ट्रेंड कमजोर हो रहा है। ये दोनों कैंडलें भले बराबर बनी हुई है लेकिन ट्रेंड कमजोर हो रहा है सर। ट्रेंड कम है सर, ट्रेंड कमजोर है यहाँ पे ऊपर की साइड का, ट्रेंड कमजोर है, वीक है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अब देखिए ये हो गया आपका 30 मिनट का चार्ट, इसीलिए मैं कहता हूँ क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए। हो सकता है मैं उस दिमाग से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ना बोल पा रहा हूँ जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझना चाह रहे हो। क्वेश्चंस आने चाहिए सर, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बैठे 20 25 30 40 लोग जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी मदद कर सकते हैं, और जब ये वीडियो YouTube पे जाएगा तो हजारों लोगों की मदद करेगा सर। 11 तारीख को भी शायद ऐसा लेट हुआ है बीच में, ये वाला नहीं बीच में ग्रीन कैंडल बना है ना सर, ये हाँ सर। ऊपर कहाँ गई सर? आरएसआई ने कहाँ बताया बताइए, इसीलिए तो कह रहा हूँ क्वेश्चन कीजिए। कहाँ बताया आरएसआई ने बताइए सर, कि आप बाई में चले आओ, बताया सर? नहीं बताया सर। आरएसआई क्यों दिया? मैं हमेशा आप लोगों से क्या बोलता हूँ कि हमेशा 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए आपके चार्ट पे, एटलीस्ट 2 कंफर्मेशन तो होनी चाहिए आपको ट्रेड लेने की। गलत बोल रहा हूँ बताइए? इंडिकेटर कोई
कोई लैग है, कोई लीड है। हाँ जी सर, क्या है गुरुजी इसमें कितने आरएसआई पे हमें ट्रेड लेना है जब ऊपर क्रॉस करेगा तो? देखिए सर, आरएसआई का प्रॉपर क्रॉसओवर होना चाहिए, कितने आरएसआई का ऐसा कोई मेजर नहीं है सर। नहीं जैसे 45 हो गया गुरुजी, 55 हो गया, हाँ, 50 हो गया, 50 के ऊपर आराम से कर सकते। अब देखिए यहाँ पर ये 50 के ऊपर आया है, लेकिन तब तक आपका ट्रेंड निकल चुका है, मेजर ट्रेंड। हाँ जी मान लीजिए ये वाला, अब देखिए यहाँ पर एक ये उसमें है ना, अब उसके बाद ये मेजर ट्रेंड निकल चुका है। अब देखिए RSI का क्लियर ब्रेकआउट, आपको RSI का क्लियर आपको इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। ये क्लियर इंटरसेक्शन है सर, यहाँ पर RSI ऊपर नहीं आया तो आप बाई में कैसे जा सकते हैं बताइए। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि RSI कभी भी ओवरसोल्ड जोन में या ओवरबॉट जोन में आपको मिल जाए तो आपका गोल्डन। ये देखिए यहाँ पे RSI जो है ओवरसोल्ड जोन में है, देख रहे हैं जी, उठा के ले गया ना ऊपर, इसका मतलब यहाँ से ऊपर का मूवमेंट देगा। हाँ सर, मैं वही भी एंट्री का कह रहा था कि नीचे छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाए तो हमको SL छोटा बन जाएगा। हाँ ऐसे ओवरसोल्ड सर, मैंने यहाँ पे दो चीजों का डिस्कशन किया है, एक है सेफ ट्रेडर और एक है प्रो ट्रेडर। ये प्रो वाला काम है, ये सेफ वाला काम है। यहाँ की ये वाली एंट्री जो बन रही है ये प्रो का काम है, प्रो मतलब जो एक्सपर्ट है, और यहाँ की जो एंट्री बन रही है ये सेफ का काम है, सेफ ट्रेडर का। समझ गए सर? वही RSI भी कंफर्मेशन कर रहा है, RSI कंफर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ से ऊपर गया है तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन देगा, कुछ ना कुछ तो आपको ये देकर ही जाएगा। हाँ सर, वो मैं बोल रहा हूँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश। अब आ जाइए एक घंटे के चार्ट पे। अब आ जाइए साहब एक घंटे के चार्ट पे, देखिए एक घंटे के चार्ट पे कितना सुंदर आपको यहीं पर दिया है। मैं सेफ ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, प्रो ट्रेडर के लिए तो दुनिया खुली है, मैं सेफ ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। यहां पर भी 375 से देके 457 दे दिया, 457 दे दिया ना सर। देखिए एक घंटे पर, देखिए सर टाइम फ्रेम जितना बड़ा कर लेंगे उतनी आपको आसानी हो जाएगी। देखिए यहां पर नीचे आ गया RSI भी, देखिए 50 के नीचे ही चल रहा है आपका, इसके नीचे है, आराम से आप 19,585 पे या 580, 570 पे आप अपना ट्रेड की एंट्री बना के 19,640 का आप SL रख लिए, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड में हो सर। यहाँ पे आपका SL 50 पॉइंट का हो रहा है, 50-60 पॉइंट का हो रहा है, तो टारगेट भी तो देखिए, टारगेट कितने का हो रहा है ये भी तो देखो आप सर, आप टारगेट के लिए बैठ रहे हो ना, टारगेट कितना हो रहा है, यहाँ से आप जोड़ दो, यहीं तक आप जोड़ लो, 250 पॉइंट का टारगेट है सर। गुरुजी इसमें जैसे ये 8 तारीख को कैंडल बाहर बनी है, हाँ जी ये रेड कैंडल बनी है ना गुरुजी, बाहर बनी है 8 गुरुजी रेड, नेक्स्ट एक ऊपर ग्रीन के ऊपर बनी है ना गुरुजी, एक मिनट मनोज जी, 1 मिनट महाराज हो जाओ यार, क्या हो जाता है कहीं माउस। क्या रेशियो आया सर, देखिए यहाँ पे 1:5 का रेशियो आया, देखिए यहाँ पर देखिए 1:5 का रेशियो है। इस पे स्टोन भी बना सकते हैं ना सर, यही आराम से। हाँ सर आराम से सर, मेरा काम है आपको टेस्टेड चीजें देना। मनोज जी क्या बोल रहे थे ठाकुर साहब, आप फिर से बताइए। गुरुजी मैं ये बोल रहा था, जो ये जैसे 8 तारीख की आप कैंडल देखोगे बाहर बनी है, पूरी हाँ, कैंडल बाहर है। हाँ तो ये ऑब्वियसली बात है कि बॉलिंजर बैंड के ये ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट हो चुका ब्लास्ट है। तो अगर गुरुजी मैं इस पे ही ट्रेड लेना चाहूँ ऊपर का SL डाल के, तो इस पे ले सकता हूँ गुरुजी मैं, ये 20 तक आएगा, मतलब बीच वाली लाइन तक आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा ये जी गुरुजी, यही कंफर्म करना था, आएगा ही आएगा। हाँ अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो तो इसके ऊपर का आप ऐसे रख लोगे, इस ये वाला जो हाई बना है ना साहब, इसके ऊपर का आप ऐसे रखोगे, 8-10 पॉइंट का फर्क कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। अब कोई भी स्टॉक में आ जाइए, कोई भी स्टॉक आ जाइए, देख लेते क्या ये स्टॉक पे काम करता है, ये देख लेते हैं। चलिए रिलायंस पकड़ लीजिए,
देखिए, देख रहे हैं आप लोग जी गुरुजी, यहां से देखिए 2500 से कहां चल रहा है, 2581 चल रहा है सर जी डे में, देख लीजिए, देखिए ये लाइन का, अच्छा ये मैंने खींच के रखी है, देखिए डे में। और कोई स्टॉक ले लीजिए, टाटा मोटर सर, वो स्क्वीज जो हो रहा है, हाँ वो मतलब ऑटोमेटिकली होता है ना, मतलब हम लोग अगर एसएल रख दिए तो उसे ट्रेल करना वहां पे जरूरी है। आप एसएल यहाँ पे रख, अब देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, देखिए मिडिल लाइन के ऊपर आ गया, ये ट्रेड ले लिया आपने, एसएल यहीं पर रखिए, देखिए आपका ट्रेड यहाँ पर है, एसएल आप यहाँ पे डाल दो सर, यहाँ पे रखो आप एसएल यहाँ पे, हालांकि इस लाइन को ये तोड़ेगा नहीं, लेकिन एक सेफ एसएल रखिए ना, कि मान लीजिए कोई स्पाइक लग गई है ना, तो जाने ना पाए, एसएल मैक्सिमम एसएल स्पाइक में ही जाते हैं, क्योंकि फिर वहां से वो रिटर्न हो जाता है ना साहब। आज निफ्टी ने किया ऐसे ही, हाँ निफ्टी ने आज वही किया, देखिए अब इसके बाद जब आप इस पे बढ़ गए गुरुजी, अब यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर इसने आपको निकाला है नीचे, तो यहाँ यहाँ पर भी नीचे आया है, लेकिन आपका एसएसएल, अब तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में हो, आप यहाँ पर घुसे हो 520 पे, आपके यहाँ पे एंट्री है गुरुदेव, और आप ऑलरेडी यहाँ पे 560 पर चल रहे हो, तो आप इतना तो रिस्क ले ही सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये भी देखिए कि आरएसआई आपकी सारी 50 के ऊपर चल रही है यहाँ पे, जब तक आरएसआई 50 के नीचे नहीं उतरेगी तब तक ये ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये डे का चार्ट है गुरुजी। डे के चार्ट की मेटलर्जी क्या होती है, डे चार्ट की मेटलर्जी यही होती है साहब, कि जब तक आरएसआई 50 के नीचे नहीं उतरेगी तब तक उस ट्रेंड को डाउन ट्रेंड माना ही नहीं जाएगा। गलत बोल रहा हूँ, टाटा मोटर देखिए, वो SBIN देखिए, SBIN मैंने आप लोगों को बोला था कि SBIN देखते रहिए, कोई भी अपडेट नहीं करता है, देखिए SBIN देखिए, देखिए डे चार्ट में SBIN, ये वीकली 50 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है SBIN, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीकली 50 की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, देखिए दिखा देता हूँ, डेली 200 पे सर, डेली 200 पे, ये देखिए वीकली लगा है 50 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट, ये ग्रीन लाइन 50, मेरे किसी भी चार्ट में आप देखोगे तो ग्रीन लाइन 50 है, ये बीच वाली रेड लाइन बोलिंजर बैंड की है, और डेली में आप देख लो, ये डेली में देख, डेली में 200 के ऊपर ये आके यहाँ पे तांडव कर रहा है, क्या लगता है आप लोगों को, ये वापस होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा वापस, हो जाएगा वापस ही, क्योंकि अगर ये इसके यहाँ पे तोड़ गया तो ये अपने 22 जून 2023 के एवरेज को, ये वाला जो एवरेज बन रहा है इसको तोड़ देगा। सर आज मैंने एग्जिट किया सर ऐसे ही, हाँ जी, फिर आज SBI का स्टोन एग्जिट किया सर। कोई बात नहीं, अभी फिर इसमें लेने का बन रहा है, पुट साइड था या कॉल साइड था? नहीं कॉल साइड था सर, तो नहीं नहीं मैं अभी हूँ कॉल साइड में, मेरा ट्रेड चल रहा है सर, 30 लॉट है मेरे पास, मुझे पता वो नीचे नहीं जाएगा, नहीं मैं फिर नेक्स्ट डे बनाऊंगा सर, जब वो थोड़ा अवरली पे थोड़ा बाय दिखाएगा तब बना दूंगा सर। हाँ आज मत बनाइएगा, मंडे को बनाए, कल नहीं, कल तो छुट्टी है, अगले दिन हाँ। बनाइएगा बुधवार को, बनाइएगा हाँ, बुधवार को है ना, तो हाँ सर देखिए एक मिनट दीजिएगा, देखिए मार्केट में ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। अब SBIN को एक घंटे पर देख लीजिए, SBIN को एक घंटे पर देखिए, देखिए अब एक घंटे पर देखिए, ये एक घंटे पर सपोर्ट बनाना शुरू कर रहा है, जो अभी आपने बोला एक घंटे पर ये सपोर्ट बनाना शुरू कर रहा है, और ये ऑलरेडी देखिए ओवरसोल्ड जोन में, एक घंटे पर देख रहे हैं हाँ सर, देखिए ऊपर जाएगा ये, तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी और स्टॉक ले लीजिए, टाइटन ले लीजिए,
टाइटन देखिए निकला कि नहीं निकला ये। हाँ सर डे पर देख लीजिए टू नाइन फाइव जीरो से लेके 3015 तक का तो इसने आपको मूव दे ही दिया है। अगर मैं इस वीक की बात छोड़ दू, वीक का बात छोड़, वीक को अगर मैं पकड़ दू तो नियर अबाउट 100 पॉइंट का मूव हो गया। कितने का मूव हो गया देखिए सर, इससे पहले जो वीक मारा है जी बताएं सर, इससे पहले जो वो जुलाई जुलाई के स्टार्टिंग में जो वीक मारा है देखिए सर ऊपर ये, हाँ इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस था सर, यहाँ पे टाइटन का रेजिस्टेंस था इसलिए वीक दे दिया इसने। वही वही तो उसके बाद तो, उसके बाद तो वो मार्केट भी जबरदस्त गिरा है। उसके बाद देखिए आपके ट्रेड आपके सेटअप पे आ गया यहाँ पर नीचे, आप यहीं पर सेल कर दीजिए, यहाँ का स्टॉप लॉस रख लीजिए, छोड़ दीजिए, देखे जाएगा सर आपको कितना देखे गया। अब लोग कहते हैं कि बंद मार्केट बताना आसान है, ये है वो है, देखिए सर कितना पॉइंट देखे गया, 128 पॉइंट देखे गया, देखे गया कि नहीं गया बताइए। हाँ दिया इस, हाँ और अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं तो इसके भी बेसिस पे आप देखिए, ये आपके ट्रेडिंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर रहे हो। मैं अक्सर अपना स्टॉप लॉस इस लाइन पे ट्रेल करता हूँ, क्योंकि इस लाइन पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब होता है क्या होता है, बिग प्रॉफिट। इस लाइन पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब होता है स्मॉल प्रॉफिट। अब मेरी लॉट साइज हमेशा बड़ी रहती है, मेरी लॉट साइज हमेशा बड़ी रहती है, तो मैं इसीलिए इसी चक्कर में बैठा रहता हूं। लेकिन लेवल्स भी होते हैं, मैंने आपको फ्लूइड ट्रेड देके रखा है, इतना नीचे आ गया तो भैया बढ़िया प्रॉफिट दिखाने लगा तो निकलो, पता चला 3 लाख 4 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है, निकलो ना लेके, फिर बाद में देखा जाएगा। इसमें आप अगर अपने हिसाब से फ्लूइड ट्रेड लगा दो तो और भी जबरदस्त हो जाएगा। देखिए वही पूछ रहा था, ये देखिए मुझे पता है मनोज जी आप कहां तक जाओगे जी, ये देखिए फ्लूइड ट्रेड आपने लगा दिया, देख लीजिए कमाल। अब इसका आवरली पे आ जाइए, सब कुछ मैंने आप लोगों को दे के रखा है सर, आप लोग बोल नहीं सकते हो कि आपने ये नहीं बताया तो आप ये नया कैसे बता रहे हो। फ्लूइड ट्रेड तो मैंने आप लोगों को दे के रखा है, आवरली पे देख लीजिए, आवरली पे इसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, बना दीजिए ट्रेड, जाने दीजिए जहां जा रहा है। आवरली पे बोल रहा है कि अभी आप निकल लो, बताइए बोल रहा है आवरली पे कि निकल लो, नहीं नहीं बोल रहा है। अब मजे की बात इसी का, इसी लाइन का ये वो बता रहा है, देखिए ये देख रहे हैं इसी एटीआर का ये बता रहा है। आप पीछे जाके देखिए सर, ऐसी ऐसी चीजें बता दूं ना कि आप लोग मतलब हैरान परेशान रहोगे। देखिए बता रहा है कि नहीं बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बिल्कुल गुरुजी ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कैसे कह रहे हो सर आप लॉस हो जाएगा। तो एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा है सर, तो बताइए सर कैसे सर कोई कहते हैं। हाँ आपको 10 तरीके की स्ट्रेटजी देने के पीछे 10 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट देने का पीछे हो, यही होता है कि किसी आप एक स्ट्रेटजी में अपने आप को सेट कर लो। और सही बता रहा हूँ, एक जगह सेट हो जाओगे तो वही जिंदगी भर चलता रहेगा फिर। अरे सर आपको 5 की मूविंग एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रही, आप इधर उधर क्यों जाओगे, गलत बोल रहा हूँ बताइए। सही बात है, टेस्ट एंड ट्राई करते रहिए, लेकिन आपका जो मदर चार्ट है, मदर सेटअप है, उसको तो आप फॉलो। मैं आज भी अपना मदर सेटअप फॉलो करता हूँ, 15 साल ट्रेडिंग करते हुए हो गए, बट मैं अपना पुराना वाला मदर सेटअप अभी मैं फॉलो करता हूँ। आरएसआई बता रहा है, अब इसको आ जाइए नेचुरल गैस पे लगा लीजिए, आइए उस पर भी लगा के देख लेते क्या कमोडिटी में भी काम करता है, कर रहा है काम कमोडिटी में, बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल गुरुजी जबरदस्त। अब मजे की बात, अगर मैं यहाँ आरएसआई में कुछ देर के लिए हटा रहा हूं और मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा रहा हूं, ले देखिए 200 की मूविंग एवरेज को बता दिया कि नहीं, इसने बता दिया जी, बताइए सर सब कुछ काम करता है, आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, ये बहुत जानना जरूरी है।
मार्केट में सब कुछ काम करता है, आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं ये जानना जरूरी है, बस सब कुछ काम करता है मार्केट। सर एक बार लॉरेंस लैब लगाए सर। गुरुजी ये ट्रेडिंग व्यू में हम डिफरेंट लेआउट सेव कर सकते हैं? नहीं मैं बदलता रहता हूँ सर, क्यों मैं पैसा खर्च करने आऊँ, जानते हैं आप इस मामले में थोड़ा सा कंजूस हूँ। नहीं तो गुरुजी ये जो सेटअप हमने बनाया है इसको हम सेव कर सकते हैं, मतलब वो दो हटाएंगे इंडिकेटर दो लगा देंगे, दो हाँ तीन कुछ भी कर हटाएंगे तीन सकते लगा हैं देंगे। सर, मैं अपनी सुविधा के, अरे मेरे को मान लीजिए अब देखिए आपके सामने RSI हटा दिया लगा दिया, अब अगर ये पेड वर्जन होता तो RSI रहने देता, MMA लगा देता, देखिए बना बता रहा है। तो ये सब सारी चीजें हैं सर, ये चलेगा ही चलेगा, देखिए RSI पर लगा दीजिए इसको, RSI देखिए। सर ये स्टोन में एग्जिट करने के लिए बहुत अच्छा है सर। आराम से बताएगा सर ये, देखिए लॉरेंस लैब में 1 घंटे का चार्ट आपको बता रहा है। अब ये क्या बता रहा है कि यहां से इसमें उठ सकता है, उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है, बाइंग आ सकती है। हाँ जी बाइंग हाँ आ सर, उठ सकती सकती है, डे चार्ट पे जाके देखिए। देखिए डे चार्ट पे अभी भी ये नहीं बोल रहा है, डे चार्ट पे अभी भी इसमें मामला गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए अभी 1 घंटे पर आप एंट्री मत कीजिएगा। वीकली चार्ट पे क्या है, वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट पे चल पुश रहा है ये, सपोर्ट पे तो आप यही कह यहाँ रहा था का, सर इस पे। हाँ अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेके ऊपर जा सकते हो। देखिए सर कहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे सेल ले दिया है, धर 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 नीचे 30 मिनट पर आ जाइए, 30 मिनट पे आइए, देखिए क्या ये फ्लूइड ट्रेड के एवरेज परसेंटाइल को फॉलो कर रहा है, कोई मुझे जवाब देगा बताइए। 100% कर रहा है हंड्रेड सर। परसेंट कर रहा सर। क्या बात कर रहे हैं सर, करिए ना ट्रेड, फिर इतनी अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लाता हूँ आपको देता हूँ, कुछ ना कुछ बनाता रहा, ऐसे थोड़े से रात भर जागता रहता हूँ, मेरे प्रॉफिट के पीछे मेरे लॉस 2011-12 का लॉस, 13 का लॉस, और आज की स्थिति में मैं जहां पे हूं यही सब सारी चीजें कि मैं कुछ ना कुछ मैं R&D में करता रहता हूं, कुछ ना कुछ मैं सर करता ही रहता हूं, और जो करता हूं वही ले आके आप लोगों को दे देता हूं। ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है, कल मुझे ऐसा लगा तो मैंने इसको उस पे क्या कहते हैं अपना इंस्टाग्राम पे डाला, आप लोगों को वीडियो इंस्टाग्राम डाल दिया। सर 9 तारीख को इसी इस पे इसने टोटल एग्जिट दिया है, वो जो बड़ा सा रेड कैंडल किया है हाँ उसके बाद अगेन फिर ग्रीन कैंडल किया है, तो यहाँ पे नीचे RSI हमको लेने के लिए बोला ही नहीं है, तो वहां से हम बच जाएंगे सर। हाँ वही, अरे सर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती हैं, बशर्ते आपको देखना है कि भैया आप क्या करना चाहते हैं। करेक्ट सर आप, सर सिंपल सी बात है, यू डिसाइड ना कि व्हाट यू वांट टू डू, आप डिसाइड करो, तो ये था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अभी थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इस सेशन को मैं बंद करूंगा, बने रहिएगा। जी तो इसको मैं YouTube पर भी डाल दूंगा जिससे आप लोग को थोड़ा सा और व्यू मिल जाए एक दो बार। देखिए कोई भी चीज है, एक ही दूध को जब कई बार मथा जाता है तो उसमें से घी भी निकलता है, मट्ठा भी निकलता है, छाछ भी निकलती है, एक ही प्रोडक्ट से कई सारी चीजें निकलती हैं, तो शेयर मार्केट भी मेरे मित्र उसी की तरह है, एक ही प्रोडक्ट से आपकी, आप अगर समझना चाहोगे ना एक इंडिकेटर से या एक किसी ऑक्सीलेटर से अगर आप समझना चाहोगे ना तो दुनिया भर की चीजें निकलेंगी। अब ये जो सेटिंग है फ्लूइड ट्रेड की, सेटिंग की
ये सेटिंग की एवरेज परसेंटाइल के साथ पूरी तरीके से मैच कर रही है। क्यों मैच कर रही है? एवरेज तो नाम ही ऐसी चीज है कि एवरेज हम लोग हमेशा मैच कराते हैं। आप आपकी लाइफ के हर मोमेंट में एवरेज काम कर रहा है, तो इस चीज को समझिए, सीखिए और YouTube पे जब आ जाए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरे को पैसे नहीं मिलते सर। सर एक लास्ट डाउट था सर। हाँ बोलिए। वो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम करना, मतलब वीकली। देखिए मैं आपको यही लॉरिस लैब पर ही लगा के दिखा देता हूँ सर। आप वीकली में आप चले आओ, मतलब यही सेटअप के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट ले लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा ना सर। देखिए ना, आपने मान लीजिए 317 या 320 रुपीस पे आपने शेयर्स इसके खरीद लिए, कहाँ तक गया था सर? 367, 390, और यहाँ पर आप RSI को देख लीजिए। हाँ वही तो कह रहा हूँ सर, बहुत बहुत खतरनाक है सर। ठीक है साहब, आप देखिए बेचना चाहिए आप यहाँ पे बेच दीजिए, नीचे आ गया। कहीं पर भी देख लीजिए सर, कोई भी स्टॉक आप अच्छा वाला कोई स्टॉक, ये भारतीय एयरटेल देख लीजिए, BHARTI भारतीय एयरटेल देख लीजिए। देखो जी सपोर्ट पे है सर, लेकिन यहाँ पर निगेटिव क्रॉसओवर हो रखा है, सेल दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकोगे। लेकिन अगर आप डेली पर आ जाइए, डेली पर भी सेल है। देखिए लेकिन जहां जहां पे ऊपर है वहां वहां पर तो आपको जिसने पूरी अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन ये RSI ऊपर नीचे बहुत कर रहा है सर, बीच में डेली पे है। देखिए सर ये ऐसा स्टॉक है ना कि एक जैसे ये आपके सरकारी वाले जितने स्टॉक है, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने स्टॉक है, ऊपर नीचे करके ही चलते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है बहुत ही ऊपर नीचे करता है। अब आ जाइए बजाज फाइनेंस में या SDFC में आ जाइए, BAJAJ बजाज फाइनेंस। देखिए तगड़ा गिरा रहा है ना ये, तो थोड़ा सा लिक्विड स्टॉक पकड़िए, आपको ज्यादा इसमें आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं YouTube पर डाल दूंगा, वहां पे जाके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक शेयर कमेंट से मेरे को कभी भी पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ ये होता है कि उस वीडियो की वेटेज बढ़ जाती है और वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो उससे लोग फायदा ले लेते हैं, उसको लोग अपनी नॉलेज में सबमिट कर लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बंद, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक।